वो खट्टर साहब हल्का आदमी कह रहे हैं, तो वो कितने भारी आदमी है खट्टर साहब, वो हरियाणा का आम आदमी बता देगा। मुझे लगता है कि इस तरह की जो भाषा का प्रयोग करना है उनको, क्योंकि वो हरियाणा में कहा होता है आंधी में टूटे उड़ा हाथ लग रहे हैं। अब जो आम आदमी मेंबर पंचायत नहीं बन सकता था, वो मुख्यमंत्री बन गया, तो भाई साहब ये तो है ना, उसको तो फिर गवर्नर रैंक घर होगा, लेकिन राउंड का भी एंकर तो आपको पता है नहीं चला। आपको क्या लगता है कि पंपलेट बांटने से और फ्लैक्स लगाने से बदलाव होगा हरियाणा के अंदर? भाई साहब कोशिश है संघर्ष करना। भगत सिंह अगर ये सोचता ना कि मेरे पाते टूटने से कोई देश आजाद होगा क्या, तो थोड़ी टूटते। चंद्रशेखर आजाद ये सोचता है मेरे पंजे उठाने से थोड़ी देश आजाद होगा। हमारा मकसद है संघर्ष करना, बाकी तो ऊपर वाला देखेगा। बीजेपी के एक मंत्री हैं निर्भेजा, वो बोलते हैं कि आप लोगों को अधिकार नहीं सीएम को हरियाणा के हॉस्पिटल चेक करने का, इस फैसले में नाजायज है क्या? तो भाई खुद कर ले, अगर हमें अधिकार नहीं है तो खुद तो कर ले। अब खुद का इलाज तो करवाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, खुद की अगर परिवार में किसी के बीमार हो जाता है, कोई डिलीवरी होती है तो प्राइवेटों में होती है। आम आदमी को मतलब मरने के लिए छोड़ रखा है। अरे अगर दिखाओ ना, हम तो कह रहे हैं दिल्ली में आओ, नुक्ता दे तो रखा है सबको, और हम तो आएंगे वही देखेंगे। आप लोगों के पास रोड मैप क्या है कि जैसे यहाँ का बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर या ऐसे का पाने के लिए, क्या मैप क्या है, तरीका बताइए। भाई साहब टेक्निकल है ना, बिजली सस्ती चाहिए नहीं आपको, ये आपको चाहिए, आपके भी घर बिल आता है ना, पानी चाहिए होगा ना आपको, उसका भी बिल देना पड़ता होगा, जरूरत है ना। कानून व्यवस्था गुंडाराज जब होता तो आपको भी समस्या होती है ना। सरकारी स्कूल में आपके बच्चे पढ़े, अच्छा स्कूल हो, आप बीमार हो जाए तो इलाज हो, सुनो अपराध तो दिल्ली में भी हो रहा है। अरे भाई साहब दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में थोड़ी, कैसे चल जाएंगे, हिम्मत किसी की हमारे अंडर में थोड़ी है, हमारे जो हाथ में है वो काम हम करके दिखा रहे हैं। तरीका बताइए आप किस तरह से करोगे, तरीका तो बताइए, अपराध कैसे कंट्रोल करोगे, बेरोजगारी कैसे, वो तरीका बताइए। तो बता रहे हैं बेरोजगार 2 लाख रुपए का लोग पढ़ा खाली सीटें पड़ी, बताओ भर्ती क्यों नहीं सरकार, लेकिन लोगों को बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं तो दिल्ली का मॉडल है, दिल्ली में जो काम किए गए उसी तरह से हरियाणा 4 साल में बीजेपी सरकार कोई काम नहीं कर रहा क्या, कौन सा काम कर रहा क्या, बता दो कोई काम वाम नहीं कर रहा क्या भाई साहब। किसानों की बात करें, हाँ किसानों का भाई साहब फसल बीमा योजना के नाम पे हफ्ता वसूली हो रही है, कंपनियों को कंपनियों के 1500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा है, किसानों को 300 करोड़ दिया, कहाँ गए 1200 करोड़। अच्छा सबसे बड़ा मुद्दा एक पानी को लेकर है, आपकी सरकार अगर हरियाणा के अंदर आती है तो आपकी जो सुप्रीम है वो तो पंजाब